हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। आज हम लोग इस वीडियो में 12th का हिस्ट्री का एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैंने शामिल किया है। तो अगर आप स्टेट थीसिस की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने के प्रमुख कारण क्या थे? पहला, भारत में स्थित कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों पर नियंत्रण करना। सही है, कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों पर मुक्त व्यापार और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना करना ब्रिटेन में ही किया जाता था। कंपनी के हितों और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभावशाली लोगों के बीच में संतुलन कायम करना, यह भी सही है। चौथा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्व के अन्य भागों में होने वाले युद्धों के खर्च का बोझ कम करना, ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। ठीक है, उस समय जो है कंपनी द्वारा दिए जा रहे लाभांश की ऊंची दरों और उसके अधिकारियों द्वारा भारी संपत्ति लेकर स्वदेश लौटने के कारण वहां पे और भी जो व्यापारी थे उनके मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी। ठीक है, और वो भी भारत में व्यापार करने के लिए मचलने लगे। ठीक है, तो अंत में कंपनी के हितों और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभावशाली वर्गों के बीच में संतुलन कायम करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कौन कौन प्रावधान शामिल थे? पूर्व के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन कर उसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लाई गई। भारत में कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी। इसमें जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, केवल दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, मतलब कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन कर उसकी गतिविधियां जो है ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लाई गई। ठीक है, पूर्व के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार जो है बना रहा है और भारत में कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति करना भी कंपनी के अधिकार में ही बना रहा है। नेक्स्ट है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के माल और उसके भारतीय प्रशासन को पूरा नियंत्रण हो गया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस कानून ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली काउंसिल के हाथों में दे दिया। तो हमारा सही उत्तर जो होगा असत्य जो होगा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो है असत्य है। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों और ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इस कानून ने बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1813 का चार्टर एक्ट जो था इसके प्रावधान के द्वारा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों ही सुमेलित है। 1757 से 1813 तक वाणिज्यिक नीति, 1813 से 1860 तक, 58-60 तक औद्योगिक मुक्त व्यापार की नीति, 1860 के बाद मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। 1813 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति के प्रभाव के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस नीति के कारण खेतिर भारत को इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। सही है, भारत में ब्रिटिश माल और ब्रिटेन में भारत निर्मित माल बिना किसी शुल्क के साथ आने जाने लगे, ये गलत है। ब्रिटिश अधिकारियों तथा राजनेताओं ने जमीन का लगान घटाने की पैरवी की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 जो है हमारा सही है। ठीक है, 1 और 3, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ब्रिटिश माल तो भारत में आने लगे लेकिन भारतीय माल बेचने के लिए ब्रिटेन में बहुत ज्यादा शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन गलत है हमारा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली तार लाइन का आरंभ कलकत्ता और आगरा के बीच में किया गया। भारत में डाक टिकटों का आरंभ करने का श्रेय कॉर्नवालिस को दिया जाता है। इसमें जो है केवल पहला कथन है वो सही है, ठीक है। पहला तार लाइन का आरंभ जो है कलकत्ता और आगरा के बीच में 1853 में इसकी शुरुआत की गई, और डाक टिकटों का आरंभ करने का श्रेय डलहौजी को जाता है, कॉर्नवालिस को नहीं। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के काल में इसका विकास हुआ, और पहली बार 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में रेल चली। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे के विकास के प्रमुख उद्देश्य थे। ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, भारतीय जनता का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास करना, भारत में वस्तु और आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, ठीक है, केवल एक मतलब ए हो जाएगा सही उत्तर। रेलवे के विकास का भारत में एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, ताकि उनका अधिक से अधिक माल भारत के अधिक से अधिक जगहों पर पहुंच सके, ठीक है, और इन दोनों से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया? इसका सही उत्तर है अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में इस्तमरारी या अस्थायी बंदोबस्त का आरंभ किन प्रांतों से किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, ये बंगाल और बिहार से इसकी शुरुआत की गई थी, और इसे शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। नेक्स्ट है, अस्थाई व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया, सही है। रैयत द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये गलत है। कर की रकम को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया, ये भी सही है। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा एक और तीन, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त के कुछ शर्त इस प्रकार थे, इसके अंतर्गत किसानों से लगान वसूलने की जिम्मेदारी जो थी वो मालगुजारों या जमींदारों को दे दी गई थी, जो 89% कुल वसूले गए कर का 89% जो है वो ब्रिटिश सरकार को देते थे, और 11% वो खुद रख सकते थे। तो उस समय कर की जो दर थी 10/11 थी। ब्रिटिशों द्वारा भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में रैयत वारी व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख कारण था। इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले जमींदारों का अभाव था, सही है। अस्थायी बंदोबस्त में कंपनी को वित्तीय रूप से घाटा हो रहा था। तीसरा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो ये गलत है, ठीक है। सही उत्तर होगा हमारा एक और दो, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ब्रिटिशों ने भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक नई व्यवस्था लागू की, जिसे रैयत वारी बंदोबस्त कहते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीरों वाले ऐसे जमींदार नहीं है जिनके साथ मालगुजारी मतलब लगान के बंदोबस्त किए जा सके, इसलिए वहां जमींदारी प्रथा लागू करने से स्थिति उलट पुलट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया। अंग्रेज अधिकारियों को एहसास भी हुआ था कि स्थायी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी वित्तीय दृष्टि से घाटा उठा रही है, क्योंकि उन्हें मालगुजारी में जमींदारों को हिस्सा देना पड़ता था और जमीन से होने वाले अतिरिक्त ऐसे वंचित रह जाते थे। नेक्स्ट है, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। किसानों को जमीन का वास्तविक मालिक माना जाता था, यह भी सही है। करो मतलब मालगुजारी का निर्धारण समय समय पर किया जाता था, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। एक दो और तीन, ये तीनों ही कथन जो है सही है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भारत में जमींदारों के अभाव में रैयत वारी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था में किसान या काश्तकार जिसको कहते हैं, जमीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता था उसका मालिक मान लिया जाता था। शर्त यह थी कि वह जमीन का लगान देता रहेगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं किया जाता था। प्रत्येक 20-30 वर्ष पर, ठीक है, 20-30 वर्ष पर इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था, और आमतौर पर मालगुजारी की दर जो है वो बढ़ा दी जाती थी। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त
अलग अलग गांवों या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवार के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूस्वामी होने का दावा करते थे। ऊपर दिया गया विवरण अंग्रेजों द्वारा लाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये महालवाड़ी प्रथा थी। ठीक है, इसे महालवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता था। और अंग्रेजों ने गंगा के दोआब में, पश्चिमोत्तर प्रांत में और मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया, जिसे महलवारी प्रथा कहा जाता है। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव या जागीरों, जिन्हें महल कहते थे, के आधार पर उन जमींदारों और परिवार के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भू स्वामी होने का दावा करते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। सही है, ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दी है। दोनों ही कथन सही है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा जो दोनों ही ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के काल में अपनाई गई। सही है, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। गलत है, भूमि के स्वामी होते थे जागीरदार। यह व्यवस्था 1793 में कंपनी की स्वीकृति मिलने के बाद लागू की गई। यह सही है, इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान के रूप में राजस्व का 8/9 भाग कंपनी को देना होता था। 8/9 भाग मतलब लगभग 89%। ठीक है, और 11% जमींदार अपने पास रखते थे। तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को नहीं बल्कि जमींदारों को भू स्वामी मान लिया गया और राजस्व का 89% ब्रिटिश सरकार को मिलता था और 11% जमींदार खुद रखते थे। और राजस्व के आकलन हेतु 1789 को आधार वर्ष माना गया। ठीक है, 1789 को आधार वर्ष माना गया। नेक्स्ट है, सूर्यास्त का नियम किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसको अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को ही सूर्यास्त का नियम कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? सूर्यास्त का नियम अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था, जिसके तहत जमींदारों को किसी निश्चित दिन के सूर्यास्त से पूर्व कोष में धन जमा करना पड़ता था, अन्यथा उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। इसलिए इसे सूर्यास्त का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त भारत के किन किन हिस्सों में लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, बंगाल, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के भागों में ये लागू किया गया। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? कृषि विकास का फायदा जमींदारों के साथ साथ अंग्रेजों को भी मिला, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई, परंतु यह फायदा नियमित नहीं था। सूर्यास्त सिद्धांत के तहत बेदखली के कारण गैर हाजिर जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। बेदखली के वजह से जमींदार सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे थे और कृषकों के शोषण में वृद्धि हुई थी। डी, सी और बी जो है हमारा सही है, लेकिन ए जो है हमारा गलत है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। लगान स्थायी होने के कारण कृषि में उन्नति का फायदा सरकार को मिलना बंद हो गया और सरकारी आय में वृद्धि जो है बंद हो गया। ऐसे में कृषि विकास का फायदा केवल जमींदारों को ही मिला। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया। मुनरो तथा रेड किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से मुंडो तथा रेड संबंधित है और इसकी शुरुआत जो है 1792 में की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल क्षेत्र से हुई थी। यह व्यवस्था मुख्यतः रीड द्वारा संपादित थी। रीड की इस व्यवस्था का समर्थन मुनरो ने भी किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय एलिफिंस्टन तथा चैपलिन को जाता है। ब्रिटिश सरकार के 51%, ठीक है, 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी, रैयत वाली व्यवस्था। नेक्स्ट है, रैयत वाली व्यवस्था के लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
पहला ऑप्शन है, इस व्यवस्था से भूमि पर किसानों का निजी स्वामित्व स्थापित हुआ जिससे भूमि क्षेत्र में पूंजीवादी व्यवस्था को आधार मिला। सही है, जमींदारी व्यवस्था की तुलना में यह व्यवस्था अंग्रेजी सरकार के लिए अधिक सस्ती और लाभप्रद थी। ये गलत है, व्यवस्था स्थायी न होने के कारण सरकार को अतिरिक्त लाभ मिलने की गुंजाइश बनी। ये भी सही है, राज्य तथा किसानों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध यानी बिचौलियों का आधार कमजोर हुआ। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब ये कथन जो है असत्य है। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था की तुलना में यह व्यवस्था जो है महंगी थी, सस्ती नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैकेंजी तथा मार्टिन बर्ड महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। इस व्यवस्था के तहत लगान की दर 66% तय की गई। ब्रिटिश भारत में यह व्यवस्था 60% क्षेत्रों में लागू की गई। महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था तथा भूमि से संबंधित व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा रखा जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4 ही सही है। ठीक है, तीसरा जो है गलत है। ब्रिटिश भारत में यह व्यवस्था लगभग 30% क्षेत्रों पर लागू की गई थी। ठीक है, 60% नहीं, 30% क्षेत्रों पर लागू की गई थी, और इसे आधुनिक यूपी के अधिकांश क्षेत्रों में लागू किया गया था। और मार्टिन बर्ड को भू सर्वेक्षण सुधारों के कारण इन्हें उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। उत्तर एवं मध्य भारत के अलावा पंजाब के कुछ भाग होता था, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में भी इस महलवाड़ी प्रथा को लागू किया गया। ठीक है, मेनली पूछा जाता है इसमें पंजाब के प्रांत शामिल थे महलवाड़ी प्रथा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।